चलिए बढ़ते आइए राधा
देखा आपने कितने सुंदर नटखट नागर गोविंदा मुरली मनोहर श्याम आप सबके बीच आए और आप सबको यहाँ पर नचाया, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे इतने सुंदर कृष्ण कन्हैया लाल के लिए, और एक बार जोरदार जयकारा भी होना चाहिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, मां माया मैया की, और लीजिए I'm
कौशिक जी चुनरी और श्रीफल भेंट ग्रह बड़ा सौभाग्य की बात है। जैसे कि पिछले वर्ष हमारी ने पिछले पर्व में तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि भैया पिछले पर्व हमारी ने तो हम अल्लाह वचन दिए रहे हैं कि मैं हर सप्तमी की रात के बिना बुलाया हूँ। ऐसे जैसे अपन बोले रही हैं अपन वचन दिए रही हैं आज माँ के दरबार में आपके शुभागमन हो। बात के क्रम के लिए श्री जनक राम यादव मिठ्ठू नौगा शीघ्र आ जाए। अगर बात के क्रम के लिए सुखेना वाले से निवेदन है कि आप अति शीघ्र तैयारी करके रखें। जस गीत प्रतियोगिता के संचालन विगत कई वर्ष से हमारे समिति के पदाधिकारी मन करते हैं और आज इसे अवसर में मुला यहाँ उपस्थित होकर के माँ के आशीर्वाद लेके अवसर मिले है, सबके दर्शन करे के अवसर मिले है। हमारे साथ में हमारे जिला मुंगेली के भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सम्मानी कोमलगिरी गोस्वामी जी, सम्मानी नरेंद्र शर्मा जी, जनपद पंचायत कोटा के अध्यक्ष भाई लखन लाल पैकरा जी, साथ में हमारे मंडलोई जी, हमारे यहाँ के जितका पदाधिकारी हैं सम्मान्य कौशिक जी के साथ में, निषाद जी के साथ में, जितका वरिष्ठ पदाधिकारी जिन कई साल से माता जी की सेवा करते हैं और आज के अवसर में उपस्थित हमारे सब भक्तमन माता बहनी मन, हमारे जस गीत के टोली वाले भाई बहनी मन, मैं अपन तरफ से माँ से ही प्रार्थना करी हूँ कि आप मन जितका जनिया उपस्थित हो
और जिन उपस्थित नहीं है ओकर तरफ से प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो और अपन अपन मनोकामना लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो। माँ महामाया आप सबके मनोकामना पूरा करें, यही मोर माँ महामाया से प्रार्थना है और पूरा उपस्थित जन समुदाय मोर तरफ से नवरात्रि के और दशहरा के बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना व्यक्त करत हुए और महामाया हमार प्रार्थना जरूर सुनी और सबके जीवन में सुख शांति प्रगति और मंगलमय जीवन दे करके आशीर्वाद दी, ऐसे हमला विश्वास है और यही विश्वास के साथ अपन वाणी लविराम करत हूँ। बोलो महामाया देवी की जय। गहना का मंच पर आमंत्रित करती थी, आप मन देखे हो एक गीत के माध्यम से झांकी के माध्यम से ये समाचार ये ऐसे देखे में मिलते लेकिन पहले आप मन देखे बहुत ही सुंदर वेशभूषा और पोशाक के साथ कितना सुंदर सुंदर झांकी अभी प्रस्तुत करे गई। तो माँ के दरबार में कई प्रकार के आदमी आते हैं, जतका श्रद्धा बड़े
नहीं
होते राखण मई का मंत्र पर के श्यामुन कैसे मानत है करो चीज देखा परो चीज तो नहीं यहाँ पास आने जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो एकदम ठंडे बस्ते में जाके बैठा हुआ है, कुछ ध्यान नहीं देता है। आप बिलासपुर की जिस सड़क में चले जाओ हर सड़क में आपको गड्ढे गड्ढे दिखेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग को और पूरे प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि आम जनता को कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सुबह शाम जो धूल उड़ती है उससे बीमारियों का भी कारण बना। धूल से रिलेटेड बोलेंगे तो आप मेरे ही चेहरे को देख के देख सकते हैं कि धूल शहर में किस टाइप की है। आप रायपुर में जाके देखिए और बिलासपुर में देखिएगा। आज की डेट पे बिलासपुर रायपुर से 10 साल पीछे हो चुका है, जबकि बिलासपुर में वही सुविधा है जो रायपुर में सुविधा है। अगर आप छत्तीसगढ़ में ही रायपुर से कंपेरिजन करेंगे बिलासपुर का, तो बिलासपुर की स्थिति बहुत डामाडोल है। अरुण नथानी के पवित्र नगरी पर Good day, brother.